दोस्तों अगर आपको ये मैसेज रिसीव हुआ है कि कम्युलेटिव क्रेडिट्स इन योर अकाउंट हैव रीच्ड अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 80% फिक्स्ड इन योर अकाउंट, तो दोस्तों इस मैसेज का मतलब क्या है, आखिर आपको ये मैसेज क्यों आया है, मैसेज आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, दोस्तों सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो मेक श्योर करके वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर आपको ये मैसेज क्यों रिसीव होता है और इसका क्या मतलब है। दोस्तों आपको ये मैसेज तभी रिसीव होता है जब आप एक मंथ में बहुत ही मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को कर देते हैं, या फिर आप कोई बहुत ही हाई वैल्यू का ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तब ये मैसेज आपको रिसीव हो जाता है। दोस्तों इस केस में होता क्या है, जो आपके अकाउंट का एएमबी होता है यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस, वो बहुत हाई हो जाता है। दोस्तों जैसे ही ये हाई होता है आपको ये मैसेज रिसीव हो जाता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने अकाउंट में एक महीने में मान के चलिए कि 50 ट्रांजेक्शंस को करते हैं, अगर आपने उसी सेम मंथ में कम से कम 200 या 300 ट्रांजेक्शन को कर दिया तो ये मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों केस नंबर दो ये है कि अगर आप अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस जो आपका है वो मान के चलिए कि 2 लाख आप मेंटेन किए हुए रहते हैं, अगर आप अपने अकाउंट से करीब 10 लाख या फिर 15 लाख का ट्रांजेक्शन आपने कर दिया तो यहाँ पे भी आपको ये मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को अब समझ गए होंगे कि आपको ये मैसेज किन किन कंडीशंस पे आता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये मैसेज आ चुका है तो इसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों अगर आपको ये मैसेज आ चुका है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो कि आपको अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस मैसेज को आने के बाद भी अपने ट्रांजेक्शंस को करते रहेंगे तो जो आपको 80% के बाद 20% की जो लिमिट बची हुई है अगर आप उसको भी कंप्लीट कर देंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और वहां पे आपको फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेक श्योर करिए कि आपको जब भी ये मैसेज आए आपको कोई भी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं करना है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ब्रांच विजिट करना है, और ब्रांच विजिट करके आपको अपने अकाउंट की लिमिट बढ़वाने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। दोस्तों एप्लीकेशन के साथ आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी देना पड़ेगा, उसकी एक फोटोकॉपी, फॉर एग्जांपल के लिए आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की फोटोकॉपी देना पड़ेगा। और दोस्तों इसको देने के बाद आपकी जो अकाउंट की लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इन फ्यूचर आप जब भी कोई भी बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन को कर दिया तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा और आपका अकाउंट एकदम सेफ बना रहेगा। तो दोस्तों मेक श्योर करिए कि आपको जब भी ये मैसेज रिसीव हो आप कोई भी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ना करें, आप ब्रांच विजिट करके अपने अकाउंट की जो लिमिट है उसको बढ़वा लें, तो आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।